अरुण शर्मा। आज क्या मतलब प्रोग्राम है यहाँ पर? आज मेरा अनन्या एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैंने यहाँ भोलेनाथ के मंदिर पे प्रतिभा डैंग के पास पांडेसरा GIDC में भंडारे का प्रोग्राम रखा है। हमारे ठाकुर राजू सिंह राजपूत जी ने कहा कि ये मंदिर देखा, उन्होंने बोले यहाँ बहुत कचरा है, इसलिए अपने थोड़ा कोई प्रोग्राम करते हैं। बोला ठीक है, तो हम राजू भाई और हम हमारी टीम ने मिलकर प्रोग्राम आज किया इधर। कब से और कहाँ कहाँ प्रोग्राम किए अभी तक? मेरा अभी करीब 2 साल से हरिनगर 2 के पीछे दक्षिण की हनुमान मंदिर में हर शनिवार को करीब 2 साल से कंटिन्यू भंडारा चालू है। फिर मैं इधर आया तो राजू भाई मिले मुझे, बोले यहाँ पे भी करते हैं कुछ। बोला चलो चालू करते हैं, देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। हमने चालू कर दिया, आज करीब 2000 आदमियों का हमने यहाँ खाने का प्रोग्राम किया। हम लोग अभी देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है, जो पैसा करेगा ऐसा हम करेंगे। सहयोगी कितने लोग हैं? सहयोगी हमारी पहले तो पूरी टीम है, बाबू भाई, ठाकुर राजू भाई, रमाकांत राय, अखिलेश सिंह, धीरेन भाई, कुदल भाई, मंगल भाई, सुनील भाई चौहान और भगवान भाई, ऐसा करके हमारी पूरी टीम हमारे साथ है, हमेशा खड़ी रहती है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी टीम को। सुब्रत महापात्र, तो आज हमने यहाँ पांडेसरा विस्तार में जो डाइंग मिल की कॉर्नर पे एक छोटी सी महादेव की मंदिर को देखा, जहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है, अगरबत्ती भी नहीं किया जा रहा है, जिससे हमारे दिल को बहुत पीड़ा हुआ। हमारे अरुण भाई, जिस एक भाई के माध्यम से, क्या नाम है, राजू भाई के नाम से, मतलब एक भाई जो हमारे अरुण भाई अनन्या ट्रस्ट को अवगत कराए, तो हमसे सहन नहीं हुआ कि महादेव की मंदिर, हमारा हिंदू धर्म में हमें बहुत बड़ी देवता मानते हैं, जिससे लेकर हमारी टीम पूरा आज सहयोग के साथ इस मंदिर को लेके, और यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस मंदिर के प्रति श्रद्धा रखो, आपके काम के प्रति भी कहीं भी दुविधा हो, उस भगवान की कृपा से आप लोग की सहायता में हम लोग जरूर आ सकते हैं। और एक मैसेज ऐसा है कि आप जागो, हिंदू संगठन जागो यार, हमारी देव देवता के प्रति हम अन्याय भी कर रहे हैं, थोड़ी सी जाग के इस मंदिर के प्रति सबकी श्रद्धा भी रहे, ठीक है।